सैमसंग A7 2018। ये फ़ोन दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है, हाथ में काफ़ी प्रीमियम फील होता है और पीछे की तरफ इस फ़ोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। इस प्राइस सेगमेंट में ये पहला ऐसा फ़ोन है जिसमें रेयर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। लेकिन हर फोन के कुछ प्रोज होते हैं और कुछ कॉन्स होते हैं। इस वीडियो के एंड में मैंने 5 से 6 ऐसी कमियां यानी 5 से 6 कॉन्स बताए हैं इस फोन के कि क्यों आपको ये फोन नहीं परचेज करना चाहिए, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 21 अक्टूबर यानी संडे को मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा और उस वीडियो में मैं 2 फोन्स का गिव अवे कर रहा हूँ, तो प्लीज उस वीडियो को एक बार देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। A7 2018 का एक ही मॉडल इंडिया में लॉन्च हुआ है जिसमें 4GB रैम और 64GB स्टोरेज मिलती है और इसका प्राइस है 24,000 रुपीज। स्टार्ट करते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी से, तो आगे और पीछे की तरफ आपको ग्लास देखने को मिलेगा, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है और साइड में जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का है जिसकी वजह से ये फोन काफी प्रीमियम फील होता है और फोन का जो वेट है वो ज्यादा हैवी नहीं है, काफी लाइट वेट फील होता है हाथ में। तो ओवरऑल अगर आपको एक गुड लुकिंग स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली आप इस फोन से डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अगर बात करें फोन की डिस्प्ले की तो इस फोन में हमें आगे की तरफ 6 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। द व्यूइंग एंगल्स आर आल्सो फाइन और जो कलर कंट्रास्ट है वो एक्सीलेंट देखने को मिलेगा। डीप ब्लैक्स और वेल सैचुरेटेड कलर कंट्रास्ट आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। पर्सनली मुझे सुपर एमोलेड डिस्प्लेस काफी पसंद आती हैं, तो डेफिनेटली अगर आपको मूवीज और वीडियोस देखना पसंद है, गेमिंग करना पसंद है, तो आपको इस फोन की डिस्प्ले काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। इवन डायरेक्ट सनलाइट में भी जो डिस्प्ले है वो इजिली विजिबल है। इस फोन में हमें सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन 9 यूजर इंटरफेस मिलता है ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉइड 8.0 ओरियो। अभी जो यूजर इंटरफेस है इसमें काफी सारे एडिशनल ऑप्शंस आपको सैमसंग देता है, जैसे कि सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप 2 मैसेंजर व्हाट्सएप फेसबुक जैसी एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो और साथ ही साथ सैमसंग स्टोर पे जाके आप अपने फोन को काफी ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हो बिकॉज काफी सारी थीम्स भी अवेलेबल है सैमसंग स्टोर पे। इस फोन में हमें 4GB रैम मिलती है LPDDR4 और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। जो रैम मैनेजमेंट है फोन का वो अबव एवरेज है, मोस्ट ऑफ द टाइम 7 to 8 एप्लीकेशंस मेमोरी में रहती है। लेकिन ये जो यूजर इंटरफेस है वो ज्यादा स्मूथ नहीं है, थोड़े बहुत लैग्स आपको देखने को मिलेंगे स्पेशली जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होगे और डिफरेंट एप्स के बीच में स्विच कर रहे होगे। इस फोन में हमें Exynos 7885 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है जिसकी 2 कोर्स क्लॉक्ड है 2.2 GHz पे और बाकी की 6 कोर्स क्लॉक्ड है 1.6 GHz पे। इस प्रोसेसर को आप Qualcomm Snapdragon 636 से कंपेयर कर सकते हो जो नॉर्मली हमें 14 से 15 हज़ार रुपए के Xiaomi के फोन्स में देखने को मिल जाता है, लेकिन ब्रांड वैल्यू को कंसिडर करते हुए सैमसंग हमें इस फोन के 24,000 रुपीज चार्ज कर रहा है। ग्राफिक इंटेंसिव गेम खेलने के लिए इस फोन में हमें माली G71 GPU मिल जाता है और आप देख सकते हो हम PUBG HD ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट्स पे खेल तो सकते हैं, लेकिन HD ग्राफिक्स पे PUBG खेलते टाइम काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स और लैग्स देखने को मिल रहे हैं। इवन बैलेंस सेटिंग्स पे भी PUBG खेलते टाइम आप ध्यान से नोटिस करना, थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स और लैग्स देखने को मिल रहे हैं और लैग्स होने की वजह से मैं एम ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। तो अगर आपको चिकन डिनर करने का शौक है तो इस फोन में चिकन डिनर आपको नसीब नहीं होगा। सैमसंग ने हमें इस बार ऑलमोस्ट सभी तरह के सेंसर्स इस फोन में दिए हैं, जैसे कि जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी जैसे ऑलमोस्ट सारे सेंसर्स इस फोन में मौजूद है, सिर्फ NFC इस फोन में हमें नहीं मिलता है। इस फोन में हमें 3300mAh की बैटरी मिलती है, स्टिल मेरे को एक दिन का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाता है। उसके पीछे 2 रीजंस है, एक इस फोन में Exynos 7885 जो ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है वो 14 नैनोमीटर फिनफेट प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है, दैट मींस जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है। दूसरा, सुपर एमोलेड डिस्प्लेस कम बैटरी कंज्यूम करती है एज कम्पेयर टू अदर डिस्प्लेस, जिसकी वजह से आपको इजिली एक दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा। इवन जब मैंने इस फोन में PUBG 1 घंटा खेली तो सिर्फ 24% बैटरी ड्रेन हुई थी 1 घंटा PUBG खेलने में। लेकिन एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आई कि 24,000 रुपीज प्राइस है इस फोन का और ये फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा, USB टाइप सी पोर्ट भी नहीं दिया गया है इस फोन में, माइक्रो USB पोर्ट ही मिलता है। अगर बात करें चार्जिंग टाइम की तो 0 to 50% ये फोन 60 मिनट्स यानी 1 घंटे में चार्ज हो जाता है, लेकिन 0 to 100% चार्ज होने में 2 घंटे 30 मिनट यानी 2 hours 30 मिनट्स लग जाते हैं।
अगर बात करें कुछ अन्य फीचर्स की तो इस फोन में आपको वाईफाई नेटवर्क पे अच्छी डाउनलोडिंग स्पीड मिल जाएगी बिकॉज ये फोन डुअल बैंड 5 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ इस फोन में आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम पे आप वीडियोस फुल HD रेजोल्यूशन पे देख सकते हो। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो इस फोन में आपको राइट साइड पे जो इसका पावर ऑन ऑफ बटन है उसी में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी एक्यूरेट है, 10 out of 10 टाइम्स ये प्रॉपरली वर्क करता है, लेकिन ये थोड़ा स्लो है इस प्राइस सेगमेंट के फोन्स में। इससे फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इस फोन में आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है और फेस अनलॉक काफी रिलायबल है, आंखें बंद करके आपके फोन को अनलॉक नहीं करेगा, लेकिन ये भी थोड़ा स्लो है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। इस फोन में हमें सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिलता है और ये एक्चुअली में काफी लाउड है। इवन मैक्सिमम वॉल्यूम पे भी म्यूजिक प्ले करने पे भी आपको किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन सुनाई नहीं देगी। फाइनली बात करें अगर कैमरा की, Samsung A7 2018 में 24 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है विद f2.0 अपर्चर। ये कुछ सेल्फीज मैंने कैप्चर करी है डेलाइट कंडीशंस में और आप देख सकते हो बैकग्राउंड में, ध्यान से नोटिस करना, कमाल की डायनेमिक रेंज कैप्चर कर लेता है इस फोन का फ्रंट कैमरा। इवन फोरग्राउंड में मेरे फेस पे डिटेल्स भी इनफ देखने को मिली है और जो स्किन टोन्स है वो भी काफी नेचुरल है। Samsung A7 से आप पोर्ट्रेट सेल्फीज भी कैप्चर कर सकते हो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेता है और फोरग्राउंड पे इनफ डिटेल्स भी देखने को मिलती हैं, बैकग्राउंड में काफी नेचुरल ब्लर देखने को मिला है। इस फोन में हमें रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 24 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद f1.7 अपर्चर, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है विद f2.2 अपर्चर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है विद f2.4 अपर्चर। ये इमेजेस मैंने कैप्चर करी है डे लाइट कंडीशंस में। ये है कुछ मैक्रो शॉट्स लेते टाइम इस फोन का ऑटो फोकस प्रॉपरली वर्क करता है। इवन जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो भी काफी नेचुरल देखने को मिला है। इवन मेन सब्जेक्ट पे आप ध्यान से नोटिस करना, जो डिटेल्स हैं वो भी इनफ है। इस फोन में हमें वाइडर f1.7 अपर्चर मिलता है जिसकी वजह से बैकग्राउंड में काफी इंटेंस ब्लर देखने को मिला है। इस सैंपल शॉट में आप देख सकते हो Samsung A7 2018 काफी अच्छी डायनेमिक रेंज कैप्चर कर लेता है और जो कलर्स हैं वो भी वेल मेंटेन्ड है। ये इमेज मैंने कैप्चर करी है A7 के 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से और इस सैंपल शॉट में आप देख सकते हो दोनों ही इमेजेस में कलर कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा फर्क है बिकॉज दोनों ही सेंसर्स की जो इमेज प्रोसेसिंग होती है वो थोड़ी अलग होती है। ये कुछ इमेजेस मैंने कैप्चर करी है पोर्ट्रेट मोड ऑन करके और मोस्ट ऑफ द टाइम ये एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेता है, बैकग्राउंड में काफी नेचुरल ब्लर देखने को मिलता है। और Samsung A7 में जिसको ये लाइव फोकस कहते हैं, यहाँ पे आपको इमेज कैप्चर करने से पहले और कैप्चर करने के बाद भी बैकग्राउंड ब्लर को एडजस्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ओवरऑल आप इस फोन से काफी इंप्रेसिव पोर्ट्रेट शॉट्स भी कैप्चर कर सकते हो। फाइनली ये इमेजेस मैंने कैप्चर करी है लो लाइट कंडीशंस में और लो लाइट कंडीशंस में इमेज क्वालिटी को एनहांस करने के लिए Samsung ने पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया है जो 4 पिक्सल्स को 1 पिक्सल में कंबाइन कर देती है और लो लाइट कंडीशंस में ये फोन लाइट ज्यादा गैदर कर लेता है और नॉइस भी काफी कम देखने को मिलती है। इवन मेन सब्जेक्ट पे जो डिटेल्स हैं वो भी इनफ देखने को मिली हैं। फाइनली बात करें अगर इस फोन के कुछ प्रोज और कॉन्स की, तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रोज से। सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को इस फोन का ये लगा कि इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जिसकी वजह से काफी वाइब्रेंट कलर कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिलता है। उसी के साथ इस फोन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाती है जो मुझे पर्सनली काफी पसंद है। सेकेंड, इस फोन की जो बिल्ड क्वालिटी है यार वो सीरियसली काफी अमेजिंग है। हाथ में जब आप इस फोन को होल्ड करते हो तो ये काफी प्रीमियम फील होता है और कुछ लोगों की मेन प्रायोरिटी होती है ये कि उनको एक गुड लुकिंग स्मार्टफोन ही लेना होता है, तो डेफिनेटली उस इसमें आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। थर्ड, इस फोन का जो रियर कैमरा है वो सीरियसली काफी अमेजिंग है और लो लाइट कंडीशंस में भी आप काफी इंप्रेसिव इमेजेस कैप्चर कर सकते हो। जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉपरली वर्क करता है। जो फ्रंट कैमरा है उसको थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है, स्टिल जो फ्रंट कैमरा है वो फोन का बुरा नहीं है। फोर्थ, इस फोन में आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है और फिफ्थ, इस फोन में आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है, तो 2 सिम कार्ड्स के साथ आप अलग से मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर बात करें इस फोन के कुछ कॉन्स की, तो सबसे पहला कॉन ये है कि इस फोन में आपको नोटिफिकेशन LED लाइट नहीं मिलती है, आपको नोटिफिकेशन चेक करने के लिए डिस्प्ले ऑन करके ही देखना पड़ेगा। सेकेंड, ये फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है और 24,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फोन में फास्ट चार्जिंग तो होनी ही चाहिए।
थर्ड, अगर आप एक हैवी गेमर हो तो डेफिनेटली ये फोन आपके लिए नहीं है। आपने देखा कि PUBG बैलेंस ग्राफिक्स पे खेलते टाइम भी मुझे फ्रेम ड्रॉप्स और लैग्स देखने को मिल रहे थे। फोर्थ, जो इस फोन का यूजर इंटरफेस है वो ज़्यादा रिफाइंड नहीं है और Instagram, Facebook जैसी एप्लीकेशंस यूज करते टाइम आप कभी कभी थोड़े बहुत लैग्स जो है वो नोटिस करोगे। फिफ्थ, ये एक कैमरा सेंट्रिक फोन है और जिस प्राइस सेगमेंट में ये आता है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फोन से आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, बट सैमसंग A7 2018 में आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि फोन को परचेस करने से पहले आप इन प्रोज और कॉन्स को डेफिनेटली माइंड में रखोगे और प्रोज एंड कॉन्स को कंसिडर करते हुए आप ये डिसाइड करना कि क्या ये फोन आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।